लेकिन हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई कई बॉयफ्रेंड कई कई गर्लफ्रेंड अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो, इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहां तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई कई बच्चे ऐसे खिलवाड़, अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वरण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता किसे माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे माँ, इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं कि तुम्हारी बात को समझ सके। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। राधे राधे।